subscribe now and press the bell icon. Never miss. नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पादप ऊतक से रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में और यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्थाई पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जल्दी से आप अपना आंसर नोट करें और मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच करें। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक। सरल स्थाई ऊतक, जटिल और विशिष्ट स्थाई ऊतक। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सहायक कोश का भाग है, कंपेनियन सेल्स भाग होती हैं। तो जल्दी से ऑप्शन देख के आप अपना आंसर नोट करें। चलिए आंसर को देखते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट, फ्लोएम। फ्लोएम सेफ्टी व्यूज कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्लोएम का भाग होती हैं और भोजन के संवहन में सेफ्टी व्यूल्स की मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्नायु यानी लिगामेंट्स जोड़ता है अस्थि को अस्थि से, अस्थि को उपास्थि से, उपरोक्त दोनों और कोई नहीं। अस्थि को उपास्थि से, अस्थि को अस्थि से, दोनों या कोई नहीं। जल्दी से आंसर नोट करें। तो स्नायु या लिगामेंट्स अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, जबकि टेंडन या कंडरा अस्थि को उपास्थि से जोड़ने का काम करती है। बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट। जड़ों के शीर्ष भागों में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिशू एंड लेटरल मेरिस्टमैटिक टिशू या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से अपना सटीक आंसर नोट करें। एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू बिल्कुल सही है। शीर्ष भागों में एपिकल मेरिस्टीम या एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्लोरीन कायमा में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, हीमोलिम्फ। जल्दी से आप नोट करें, क्लोरीन कायमा में क्या मौजूद होता है? चलिए आंसर देखते हैं। क्लोरोफिल। जो क्लोरीन कायमा होती हैं, पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल जमा हो जाता है तो वो क्लोरीन्काइमा कहलाती हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी लोग बाद में कितने आपके सही हैं कमेंट्स जरूर करें। 6 नंबर। डायफ्राम की पेशियां हैं ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, हृदय पेशियां या उपरोक्त में से कोई नहीं। डायफ्राम की पेशियां, जल्दी से आप आंसर बताएं तेजी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। सभी लोग बाद में कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने आंसर को रिप्लाई करें, आपके कितने सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। पौधों में संवहन ऊतक हैं जाइलम, फ्लोएम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर आप बताएं। आंसर देखते हैं, ए और बी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल, फ्लोएम फूड। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड यानी भोजन का संवहन करता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बाद में कमेंट्स भी करें। क्वेश्चन नंबर 8। साइटोन संबंधित है मस्कुलर टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से या एपिथीलियम टिश्यू से। जल्दी से, समय कम है, आंसर अपना तेजी में नोट करें और मेरे आंसर से मैच करें। तो साइटोन नर्वस टिश्यू से संबंधित होता है। जो नर्व सेल्स होती है उसका मुख्य भाग साइटोन कहलाता है, हिंदी में इसको तंत्रिका काय कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। रक्त है मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या एपिथीलियम टिश्यू। जल्दी से ऑप्शन देखें और तेजी में आंसर अपना टाइप करके रखें और मेरे आंसर से मैच करें।
कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है, है ना? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटरसेलुलर स्पेस होता है पैरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी में, जल्दी से बताएं। इंटरसेलुलर स्पेस, सही आंसर पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। आपके कितने आंसर सही हैं, निश्चित ही आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो आपके आंसर सही हैं आप उन्हें कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। ओके थैंक यू, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके थैंक यू।